तरफ से भी आर्थिक सहयोग का ऐलान किया गया है। देखिए, बहुत संवेदनशील और बहुत दुखद घटना है, और मुझे लगता है चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस घटना पर राजनीति करने के बजाय इसमें सहानुभूति उस परिवार के प्रति रखनी चाहिए, और जिनको किसी प्रकार से कोई जहाँ से कोई शिकायत और सुझाव देने हो तो उनको SIT गठित की गई है, उसको अपने सुझाव देने चाहिए या शिकायत करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, और अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, इसके साथ ही उस अंकिता को और उनके परिजनों को तत्काल प्रभाव से जल्द न्याय मिले, इसके लिए फास्ट्रैक कोर्ट की का भी कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर तत्काल और त्वरित कार्रवाई की गई है, वो अपने आप में एक नज़ीर साबित होगी, और भविष्य में इस प्रकार का अपराध करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, इस तरह के अपराधियों को सजा दी जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री का प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास है।